बाजारवादी दौर में खेतीबाड़ी को घाटे का सौदा माना जाने लगा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में उन्नत खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। नवनिर्मित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में हाईटेक नर्सरी बनाई गई है, जो क्षेत्र के किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित कर रही है। जिले के ग्राम कुकुरमुड़ा में बनी इस हाईटेक नर्सरी में खास बात यह है कि इसमें लगाए गए बीज 24 घंटे में ही अंकुरित हो जाते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। इस नर्सरी में नेचुरल वेंटिलेटेड शेड नेट के चलते पौधे 5 गुना से 50 गुना तक वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जॉटिक पौधों का रोपण भी हो रहा है। यहाँ ग्रीन हाउस फैन कूलिंग की सुविधा भी है। ग्रीन हाउस फैन कूलिंग की सुविधा से पपीता, भटा, भिंडी और गोभी जैसे फल और सब्जी पौधों की रोपण में मदद मिल रही है। हाँ, मिस्ट चैम्बर के माध्यम से जो हम पौधे तैयार करवा रहे हैं, वो पौधे हम किसानों को 80 पैसे में एक पौधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी प्रारंभिक चरण में है ये नर्सरी, और अभी तक करीब करीब यहाँ के 60 से 70 किसान लाभान्वित हुए हैं, और उनको वो जो पौधे ले गए हैं उससे उनको अच्छी आमदनी भी मिली है। पॉली हाउस में किसानों के बीजों का अंकुरण कम समय में हो पा रहा है। तापमान और आर्द्रता के नियंत्रण के लिए बने सिस्टम के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। इन पौधों पर कीट पतंगों का प्रकोप भी नहीं हो रहा। इस नर्सरी के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को आसानी से पौधे प्राप्त हो रहे हैं। खैरागढ़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। शासन के द्वारा हाईटेक नर्सरी से पौधे का वितरण, इसके साथ साथ ही तकनीकी जानकारी हमारे यहाँ दी जा रही है। किसानों को पैक हाउस का भी अच्छा लाभ मिल रहा है। इस हाईटेक नर्सरी खैरागढ़ क्षेत्र में फसल चक्र परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस क्षेत्र के किसान धान की जगह पपीता, केला, भिंडी और आलू की खेती कर रहे हैं। पपीते की खेती के साथ ही गोभी, टमाटर का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर खूब लाभ कमा रहे हैं। किसानों को कम दर में पौधा प्राप्त हो रहा है, अच्छे से समय समय उस पौधे की प्राप्ति हो रही है, पौधा का नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे हम टमाटर ले गए हैं, बैंगन ले गए, उससे अच्छे पैदावार हुआ, उसे जैसे कम बजट में हमको अच्छा आमदनी मिला नर्सरी से। और पपीता लगाया हूँ, करीबन 700 पौधा है, 13,000 के समथिंग मतलब पैसे लगा, मगर गवर्नमेंट ने मेरे को 13,000 वापस कर दिया। इमें अपन इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या है, समय से पहले अपन ला जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसमें जल्दी आते फसल है ना, तो कट से अपन ला घर परिवार चलाने भी आसानी होते। राज्य सरकार धान की फसल की तरह औद्यानिकी फसलों पर भी प्रति एकड़ 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी के साथ बीज के लिए भी सब्सिडी दे रही है। इससे प्रदेश में किसानों के चेहरों पर अब मुस्कान लौट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।